फर्स्ट क्वेश्चन मेजरली आपका ये रहना चाहिए कि मैं कौन सा कोर्स करूंगा। आप लोग अपना अटेंडेंस, आप लोग अपना कोचिंग का टाइम, आप लोग अपना पढ़ाई, उस दिन अपना दिल पे हाथ रखे ये बोल देना कि मुझे सैक्रिफाइस करना है एंड आई विल गिव माय 100%। बहुत सारे ऐसे भी होगा जो फर्स्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे भी होगा जिसे एक दिन में आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा, अपना कॉलेज का भी और अब सीए का भी। आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोग सीए कोर्स करने का सोच रहे होंगे और बहुत लोग सीए कोर्स के अलावा जैसे कि सीएफए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स करने का सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कौन सा कॉलेज चूज करे, और बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि कौन सा कोर्स चूज करे ताकि मुझे सीए में मदद मिल सके। क्या भैया अटेंडेंस कंपलसरी है, टाइम कैसे मैनेज होगा, कोचिंग के लिए मैं कौन सा जगह पे जाऊं, सीए का क्लास कैसे अटेंड करूं, अपना नोट्स कैसे बनाऊं, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। जैसे ही आपका डाउट रहता है तो मैं आपके लिए हमेशा आ जाता हूं। आपको क्या करना है कि वीडियो बिल्कुल एंड देखना, क्योंकि मैं आपको शेयर करने वाला हूं मेरा जर्नी सीए विद एसआरसीसी। सीए इंटरमीडिएट दो ग्रुप्स में क्लियर कर चुका हूं एंड दैट इज इन कॉलेज ओनली, कॉलेज इटसेल्फ मैंने क्लियर कर लिया था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था, किस तरीके से मैंने मैनेज किया है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो एसआरसीसी एम कर रहे होंगे एसआरसीसी के साथ सीए या फिर टॉप डीयू कॉलेज जैसे कि एलएसआर, मिरांडा, हिंदू, हंसराज, बहुत सारे। पूरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आ गया हूं आपका भैया, आपको सारा चीज डाउट जो है आपका मन में जितना भी आशंका है अपने ऊपर मैं ये वीडियो में आपको क्लियर कर लूंगा और सारा क्वेश्चन का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल सा आंसर बोलूं कि क्या सीए के साथ एसआरसीसी आप लोग मैनेज कर पाएंगे? स्ट्रेट आंसर इज यस। जी हाँ, आप लोग अपना अटेंडेंस, आप लोग अपना कोचिंग का टाइम, आप लोग अपना पढ़ाई सारे एंजॉयमेंट के साथ आप लोग सीए के साथ एसआरसीसी मैनेज कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं पूरा शेयर करने वाला हूं अपना स्ट्रेटेजी, तो वीडियो बिल्कुल एंड देखना। फर्स्ट क्वेश्चन मेजरली आपका ये रहना चाहिए कि मैं कौन सा कोर्स करूंगा। इस क्वेश्चन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हूं जहां पे मैं कॉमर्स का हर रिलेटेड कोर्सेज का कंपेयर किया हूं सीए कोर्स को, और साथ ही साथ मैं सिंपल वे में यहां बोल दूं, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस जाना तो ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सिंपल में बोल दूं तो बीकॉम ऑनर्स इज द मोस्ट सुटेबल कोर्स फॉर योर सीए जर्नी एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेरे ऑडियंस बीकॉम ऑनर्स एम कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लोग एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिलता है या फिर कोई भी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिलता है तो आपका सीए का कोर्स आधा हो जाता है, लिटरली आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा कॉलेज एम करूं, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, इन कॉलेज में एम करूं जिनका अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, या फिर मैं डिस्टेंस कॉलेज करके आराम से पढ़ाई करूं अपना सीए का और रैंक लेके आ जाऊं। क्रिस्टल क्लियर आपको ये मन में रख लेना है, जो भी रैंक लाते हैं या फिर आपका बहुत अर्ली एज में सीए क्रैक कर लेते हैं तो उसका कोई गारंटीड नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे लाइफ में। योर स्किल, योर एक्सपीरियंस मेक्स यू द सक्सेसफुल पर्सन, और एट द एंड आपका सेटिस्फेक्शन ही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा अपना लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया। नाउ सिंपल वे में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो जिस समय मैं अपना पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरा लक अच्छा था ताकि आपका लॉकडाउन हो गया था क्योंकि COVID-19 फैल गया था। लेकिन यहां पे मैंने किस तरीके से फर्स्ट ईयर से ही अपना स्ट्रेटजी बनाया था। फर्स्ट अटेंड मैंने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया, इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेंड में क्लियर किया, सेकंड ग्रुप मैं ग्रुप वाइज दिया हूं क्योंकि मुझे कोई रश नहीं करना एंड मैं आराम से पढ़ाई करना चाहता था, इसका लुफ्त मजा लेना चाहता था। अब आपको किस तरीके से मैनेज करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका अटेंडेंस का क्या होगा। देखो यार, एक चीज मैं बोलूं यहां पे मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। अगर आप लोग टॉप कॉलेज में जा रहे हैं एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज में, तो इसका फैकल्टी मेंबर्स टॉप नॉच होते हैं जो कि आपको सीए कोर्स का भी बहुत ज्यादा मदद कर देगा। तो जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सीए कोर्स में भी सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा सेम होता है, तो आप लोग अपना कॉलेज को ज्यादा प्रिफर दीजिए क्योंकि आपका फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा इजीली वे में आपको समझा देगा, आपको अंडरस्टैंड कर देगा कॉन्सेप्ट, ताकि आप जो सीए एग्जाम देंगे वो बहुत ज्यादा इजीली आपका क्रैक हो सकता है। तो फर्स्ट जो मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेंड में क्लियर किया था, सिंपल वे में अपना कॉलेज को रेगुलर अटेंड किया था और उसका कॉन्सेप्ट को समझा था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जी हाँ जो बहुत सीए कोर्स के अलग होते हैं, उसके लिए आप कोचिंग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस का क्वेश्चन आया था तो मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको कॉलेज जाना है, इट इज नॉट मैंडेटरी, आपको पर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज है कि प्रोफेसर आपको जानता हो, मतलब आपका शक्ल देखा हो, ऐसा नहीं हो कि पूरा सेमेस्टर ही आप बंक कर लो और सीए के ऊपर पूरा से फोकस हो जाओ, इस तरीके से मत करना क्योंकि प्रोफेसर आपका वाइवा भी लेते हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी लेते हैं, तो ये करेंगे तो आपको ब्लैकलैश आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप कोचिंग कहां से ले, बहुत सब्जेक्ट ऐसे भी तो हैं जो बीकॉम ऑनर्स में नहीं होंगे, आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा फॉर योर सीए कोर्स, तो या तो आप फेस टू फेस ले या फिर ऑनलाइन ले, मोस्ट प्रिफर्ड रहेगा ऑनलाइन लेने के लिए। ऑनलाइन कोचिंग मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुबह से शाम तक आप लोग अपना कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, फिर रात को बैठ के आप सीए कर सकते हैं। एक चीज याद रखना कि जिस दिन आप सीए कोर्स में एनरोल हो जाएंगे एसआरसीसी के साथ या फिर हिंदू, हंसराज, एलएसआर के साथ, उस दिन अपना दिल पे हाथ रख के ये बोल देना कि मुझे सैक्रिफाइस करना है एंड आई विल गिव माय 100%। बहुत बार ऐसे भी होगा जो आप लोग पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, बहुत सारा ऐसे भी होगा जो फेस्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे भी होगा जिसे एक दिन में आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा, अपना कॉलेज का भी और
आप सीए का भी, इस तरीका से भी होता है। तो प्लीज आप लोग को अपना ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना पड़ेगा कि आप लोग परसिवियरेंस के साथ अपना पेशेंस नहीं लूज करेंगे। तो यहाँ पे जब कोचिंग आता है तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कोचिंग, लेकिन यहाँ पे बेस्ट कोचिंग एडवाइस करना भी मेरा ड्यूटी है। अब यहाँ पे ऐसा पता है सीए बहुत ज्यादा टफ कोर्स है, यहाँ पे बहुत लोग एनरोल करते हैं और बहुत लोग हार मान जाते हैं। ये डिफिकल्ट कोर्स है जिसको आपको जीतना है। तो जीतने के लिए जैसे कि आपको पता है फिजिक्स वाला लेड बाय अलक पांडे सर लॉन्च कर दिया अपना सीए वाला, जहां पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। यहां पे टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर्स है। यहां पे अगर आप लोग सीए फाउंडेशन दे रहे हैं संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हैं @399। और यहां पे मास्टर मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो सकता है जहां पे आप लोग 799 में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीए कोर्स, तो जाके एनरोल कर सकते हो। यहां पे डाउट सेशन होता है, मेंटरी सेशन होता है, आप लोग को सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं फॉर सीए फाउंडेशन आर एग्जाम से डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको सिंपली 3999 में मिल जा रहा है। बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट है। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड UJ250 यूज कर सकते हैं तो आपको इंस्टेंट ₹250 का डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज मोर बेनिफिशियल टू यू। तो आप लोग जाके बेस्ट कोचिंग ले सकते हैं बाय सीए वाला, यहाँ पे वो लॉन्च कर दिया। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। जाके आप लोग देखिए, उसे पता करिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, परचेज करना मत भूलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका एग्जाम्स ओवरलैप कर देगा। जी हाँ, सेमेस्टर का एग्जाम्स आपका सीए कोर्स का एग्जाम ओवरलैप करेगा। नाउ किसको ज्यादा वेटेज दे? सिंपली अपना बीकॉम ऑनर्स को वेटेज देना। देखो यार, सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेमेस्टर सिर्फ एक बार आता है। अगर आप लोग वहां पे फेल हो गए या फिर आपका कम नंबर आया ना, तो जब आप लोग प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तो वहां पे आपका सीजीपीए पूछा जाता है और आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे टॉप नॉच कंपनीज के लिए। तो प्लीज अपना बीकॉम ऑनर्स को फोकस करना। और किस लिए सीए कोर्स को नहीं फोकस करना? क्योंकि सीए कोर्स एक साल में दो बार अटेम्प्ट देता है आप लोगों को। आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देंगे कि तो कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। वो सबको पता है कि सीए कोर्स इस टफ, 3-4 अटेम्प्ट लग ही जाता है। अगर आप लोग एक स्किप भी कर देंगे ना, तो इट डजंट मैटर। एट द एंड आपका स्किल और एज ए एक्सपीरियंस आपको मैटर करेगा। तो अगर आप लोग एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को टॉप नॉच नहीं मिलता है, आपको कोई साउथ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है, फिर भी आप लोग बीकॉम ऑनर्स को ही फोकस करना। हाँ, आप कॉलेज वहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका फैकल्टी मेंबर उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू SRCC, लेकिन उनका अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि खराब है। एट योर डिस्क्रिशनरी है कि आप लोग कॉलेज जाए ना जाए, कोचिंग ले सकते हैं ले ना ले, लेकिन ये बात है कि आप लोग वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, अटेंडेंस थोड़ा कम लगा सकते हैं और अपना सीए का ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम ओवरलैप करेगा तो बीकॉम ऑनर्स को ही देना है ज्यादा फोकस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आई हैव सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। जितना भी क्वेरीज है आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे जितना भी आप लोग बोलेंगे ना, जितना भी आप कमेंट करेंगे, मैं सारे लोग का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।